सलाम नमस्कार, हमारा नाम है अवंतिका और आप देख रहे हैं न्यूज 22 को। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम सीट स्कैनर में, जहां हम लोकसभा की सीटों को स्कैन करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे बिहार की सुपौल लोकसभा सीट की। सुपौल में चुनाव तीसरे चरण में 7 मई को होंगे। सुपौल लोकसभा में अब तक सिर्फ 3 बार ही चुनाव हुए हैं। सुपौल लोकसभा सीट 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आया। 2009 में यहां लोकसभा का पहला चुनाव हुआ और सुपौल सीट पर पहली चुनाव में ही जदयू ने अपना परचम लहराया। 2024 में सुपौल सीट के लिए राजद और जदयू के बीच मुकाबला होने वाला है। जदयू ने मौजूदा सांसद दिलेश्वर कामत को एक बार फिर से टिकट दिया है। वहीं राजद ने इस बार सिंहेश्वर विधानसभा क्षेत्र से विधायक चंद्रहास चौपाल को चुनावी मैदान में उतारा है। सुपौल लोकसभा के अंतर्गत विधानसभा की 6 सीटें आती है, जिसमें निर्मली, पिपरा, सुपौल, त्रिवेणीगंज, छातापुर, सिंहेश्वर की सीटें शामिल हैं। इन 6 में से 4 सीट पर जदयू का ही दबदबा है। सिर्फ 1 राजद और 1 पर बीजेपी का कब्जा है। निर्मली से अनिरुद्ध प्रसाद यादव जदयू विधायक हैं। पिपरा में भी जदयू से रामविलास कामत विधायक हैं। सुपौल में भी जदयू का कब्जा है, यहां से विजेंद्र प्रसाद यादव विधायक हैं। त्रिवेणीगंज से वीणा भारती जदयू की विधायक हैं। छातापुर में बीजेपी के नीरज कुमार सिंह विधायक हैं और वहीं सिंहेश्वर पर चंद्रहास चौपाल राजद के इकलौते विधायक हैं। सुपौल की जातीय समीकरण पर गौर करें तो यहां यादव और मुस्लिम वोटरों की बहुलता है। साथ ही ओबीसी और मुसहर वोटर यहां गेम चेंजर साबित होते हैं। सुपौल में पहला चुनाव 2009 में हुआ। इस चुनाव में जदयू के विश्व मोहन कुमार ने जीत हासिल की। 2014 के चुनाव में सुपौल में कांग्रेस ने अपना परचम लहराया और इस सीट से बाहुबली पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन जीत कर दिल्ली पहुंची। 2019 के लोकसभा चुनाव में सुपौल कांग्रेस के हाथों से निकल गई। एक बार फिर यह सीट जदयू के कब्जे में आई। 2019 में जदयू से दिलेश्वर कामत सांसद बने। 2019 के चुनाव में जदयू के दिलेश्वर कामत ने तत्कालीन कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन को 2,66,853 वोटों से हराया था। दिलेश्वर कामत को 5,97,377 वोट मिले थे, वहीं रंजीत रंजन को 3,30,524 वोट मिले थे। अब 2024 के चुनाव में एक बार फिर जदयू के टिकट से दिलेश्वर कामत चुनावी मैदान में हैं और उनके सामने राजद ने अपना प्रत्याशी चंद्रहास चौपाल को बनाया है। दिलेश्वर दोबारा सुपौल की कुर्सी में बैठेंगे या इस बार यहां राजद अपना परचम लहराएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप देखते रहें न्यूज 22 को। राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और 1 वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। फॉर योर ब्राइट फ्यूचर विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।